पीछे और प्यार भरे सलाम। अज बहुत दिन बाद फेसबुक से लाइव होके थोड़े सारे दे नाल एक गल करना चाहता हाँ। मैं कैप्टन यूनस मसी, ऑफिसर ऑफ द सैल्वेशन आर्मी, भारत का एक आम नागरिक, सारियां नूं हाथ जुड़ के अपील करता हाँ उस छोटी बेटी अंजलि दे लई। असीं जानते हाँ कि वो छोटी बेटी अंजलि जिहदी उम्र हजे छोटी है, असने अपनी छोटी उम्र के वो हादसा वेख लिया, वो दुख वेख लिया जिहड़ा कि उहदे वेखण नूं नहीं सी हैगा। अज भी जो उस बेटी के बारे सोचते हाँ, उस धी के बारे सोचते हाँ, ये अखां जिहड़ियां ने ऑटोमैटिक नम हो जांदियां ने। नन्नी बच्ची जिन्हों पता ही नहीं है बलात्कार की हुंदा है, जिन्हों पता ही नहीं है रेप की हुंदा है, उन्हें वो पाना देख लिया, अपनी जिंदगी में देख लिया। अज भी रूह कंब जाती है वो सोच के किस तरह उस नन्नी बच्ची दे कन्ना दे विच बत्ती लाई होगी, चार्ज दे नाल उहदा गला कुटिया होगा। अज भी सब कुछ सोच के अखां नम हो जांदी है। शुक्रगुजार हाँ अपने मसीह लीडरां का, शुक्रगुजार हाँ अपने मसीह परिवारों का जिन्होंने बहुत मेहनत, बड़ा जोश अपनी इस नन्नी बच्ची लिए विखाया। तो उस दिन धारीवाल के एक ठोस धरना लगा के मुजलमान जिहड़े मुजलम ने उन्होंने पकड़ाया। एक बार फिर तो साढ़े सारे मसीह समाज को इकट्ठे होने की जरूरत है। शुक्रगुजार हाँ उन्होंने सिख परिवारों का भी जिन्होंने उस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग मंगी है। शुक्रगुजार हाँ उन्होंने सारे के लिए जिन्होंने उस धी के दुख को समझा है। सचमुच उस धी के दुख को समझना बहुत औखा है, पर मैं दसना चाहता हाँ जिसकी धी गई है ना तो उन्होंने सरकार ना कोई मतलब है, ना तो उसमें कांग्रेस ना ना अकाली ना ना कोई आम आदमी पार्टी ना ना तो उसमें उस प्रशासन ना मतलब है। मतलब है इस जिन्हें मेरी बच्ची के नाल घौनी घटना हुई है उन्होंने इंसाफ दवाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इस विच किसी सरकार का दोष है, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस प्रशासन का दोष है, पर असं ये कहने उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए है और बेटी के साथ जिहड़ी भी घटना वापरी है उसका इंसाफ होना चाहिए। और मैं खास करके ये दसना चाहता हाँ कि अज साडी जिहड़ी भारत मौजूदा सेंटर सरकार है मोदी साहब, मैं तुहाडी कैबिनेट नूं अपील करता हाँ कि किहो जी जिहड़ी खेड तुसीं किहो जी रणनीति जिहड़ी है तुसीं अपनानी है उम्र वाली। तुसीं क्या छोटी उम्र की बच्ची दे नाल रेप किया जाएगा तो उसनों असी फांसी की सज़ा देवांगे। कैबिनेट मैं इंडिया अपनी जी सेंटर सरकार आ उन्होंने ये भी बेनती करता है कि जिहड़ा रेप करता है उहदी उम्र भी निर्धारित कर दिती जाए। हुण सानूं ये सुनने वास्ते मिल रहा है कि उस लड़के को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसकी उम्र घट है। मोदी साहब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर जी को दसना चाहता हाँ, कहना चाहता, बेनती करना चाहता हाँ एक एज ए प्रीस्ट के तौर पर कि जेकर बच्चियों की उम्र निर्धारित कर दी गई सी जिन्हें रेप होना सी उन्हां दी उम्र अगर तुसीं दिता सी कि इन्नी उम्र में आह सज़ा होगी इन्नी उम्र में आह सज़ा होगी तो जो रेप करते हैं उन्होंने भी सज़ा जी है तुसीं लिख देंगे। पता तो होंगे किसी को जी मैं इन्नी उम्र में रेप कराँगा तो मैं फांसी की सज़ा मिलनी है, अगर मैं 17 साल तो बाद कराँगा तो मैं सज़ा मिलनी है। तो ये बहुत ही भयानक घटना है साढ़े सुनने तो साढ़े देखने तो बाहर है। तो कृपा करके असं दुआ कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, माँ प्यो असं बेनती करते हैं सारे अपनी उसी लीडर में अपनी सेंटर सरकार में कृपा करके उस बेटी को इंसाफ दवाया जाए। अज भी जो बारे सोचते हैं तो अखा नम नहीं करता, असं सोच के परेशान हो जाते हैं। आस करता हाँ कि उस बेटी को इंसाफ मिलेगा और सारा साडा भाग और जो दूसरे लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं असं मिल के उस बेटी के इंसाफ को दुहाई देवे कि परमेश्वर उन्होंने गुनहगारा जिन्होंने ये गुनाह किया उन्होंने सारे।